हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सिटी पैलेस में और मेरे पीछे है सिटी पैलेस। अभी इंटर करेंगे और देखेंगे कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना हिस्टोरिकल प्लेस है, अब जानेंगे। और इसी के साथ बने हैं मेरे साथ, और उदयपुर जो है बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए, तो आगे चलते हैं, हमारे साथ आइए बढ़ते हैं। तो एंट्री गेट यहाँ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, इंटर करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सिटी पैलेस, बहुत ही विशाल। ये है फ्रेंड्स शेर पकड़ने का पिंजरा, तो इस तरीके से पिंजरा हुआ करता था उस टाइम, शेर पकड़ा जाता था, और उस तरफ है तेंदुआ पकड़ने का। ये है फ्रेंड्स तेंदुआ पकड़ने का, देख सकते हैं इसमें रखा जाता था। तो ये सिटी पैलेस का म्यूजियम है फ्रेंड, इसका मुख्य द्वार है, यहाँ से हम इंटर करेंगे। तो ये हम म्यूजियम इंटर कर रहे हैं फ्रेंड्स, और देख सकते हैं काफ़ी अंदर भीड़ है। राजा महाराजाओं का सुरक्षा के लिए ऐसे लोहे से बना हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है दोस्तों लोहे से बना हुआ पैंट, और इससे पहना जाता था जहर बख्तर कवच बोला जाता है इसको, और देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल लिखा है। और जो यहाँ के राजा है वो इसी तरीके से वेशभूषा में रहते थे, देख सकते हैं पूरे लोहे की, पूरा जंजीर से बना हुआ एक कवच है, बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स घोड़ा, राजा महाराजा के घोड़ा के वेशभूषा देख सकते हैं, पूरे जंजीरों से, लोहे से पूरा इसका ढका हुआ है, इसका पूरा कवच आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये देख सकते हैं सामने में भी बहुत अच्छे तरीके से ढका गया है। ये है ढाल देख सकते हैं, और ये है कवच, और ये है पूरा बना हुआ है लोहे की से। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी तक का बेहतरीन चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, और ये पूरा पूरा हथियार है, पूरा जितने भी राजा महाराजा होते हैं उनके पूरे हथियार है यहाँ पे रखा हुआ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। Thank you.
यहाँ से हम लोग लाइन लग करके आगे जा रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी चेक करके। और सर्वप्रथम फ्रेंड्स ये गणेश जी का मूर्ति है और बहुत ही सुंदर दृश्य देखो तो मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कृपया कांच व अन्य वस्तुओं के हाथ न लगावें, है ना, तो सब फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स कृपया पहले इधर जाएं, तो पहले हमको इधर जाना पड़ेगा, उसके बाद इधर से होकर के इस लाइन के द्वारा हम इधर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर जाएंगे फ्रेंड्स, ये वाला रो है ये इंगित कर रहे हैं महाराणा प्रताप कक्ष। उनके धनुष और बाण हैं, तो ये फ्रेंड्स हल्दी घाटी की पावन माटी और देख सकते हैं पूरा हल्दी कलर में है माटी जो है। तो यहाँ पे जो है बीकानेर के राजा पृथ्वीराज को महाराणा प्रताप जी के पत्र प्रत्युत्तर लिखते हुए यहाँ पे दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स ये वाला कुंड देख रहे हैं, इसमें 1,00,000 चांदी के सिक्के भरे जाते थे और 1/4 को जनता में बांट दिया जाता था। ये फ्रेंड्स दरवाजे का प्राचीनतम ताला देख सकते हैं, इस तरीके से लॉक हुआ करता था पहले। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से पूरा उदयपुर नज़र आता है, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो फ्रेंड इस तरीके से देख सकते हैं सितार है यहाँ पे रखा हुआ, और इधर देख सकते हैं फ्लैट सितार रखा हुआ है, यहाँ पे सब बजाते थे। भारतीय बेंजो यहाँ पे रखा हुआ है देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे संजोया गया है फ्रेंड्स। और इधर मैं दिखाना चाहूँगा दिलरुबा, देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से सजाया गया। ये ताउस है देख सकते हैं, ताउस है। ये है फ्रेंड्स तानपुरा, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। और ये उस टाइम से वीडियो समझ लीजिए, और ये है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन है ये, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा। ये भी तानपुरा है फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये है ग्रामोफोन, ये पखावज फ्रेंड्स। यहाँ बहुत पुरानी जो अवशेष हैं
मूर्तियाँ हैं फ्रेंड्स, उसको रखे जाते हैं। ये इंद्र की मूर्ति है फ्रेंड्स, जो कि वर्षा, बिजली और स्वर्ग के शासक माने जाते हैं। और देख सकते हैं इधर भी देवताओं की मूर्ति है, और ऐसी ही बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं नर्तकी की एक मूर्ति है, ब्यूटीफुल मूर्ति है। इस तरीके से फ्रेंड देख सकते हैं मूर्तियाँ बनी हुई है। ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, पूरा इस तरीके से बना हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी जगह पे ले आया हूँ फ्रेंड्स आपको। ये देख सकते हैं उस समय का तबला, ये वादक जो नृत्य करते थे, ट्रांजिस्टर है, और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। ये यहाँ पे तबला हारमोनियम रखा हुआ है, सुरपेटी इसको कहा जाता है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा ये कमायचा है, देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाओ। इस तरीके से फ्रेंड्स बर्तन रखे जाते थे उस टाइम, राम सागर स्थान टोपीदार बर्तन पूजा के समय जल रखने हेतु उपयोग में लिए जाते थे। पूजा के लिए ये बर्तन यूज होते थे फ्रेंड्स। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी ये बहुत ही संरक्षित है और बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये घड़े नीचे का, ऊपर जो है बर्तन है टोपीदार, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इस तरीके से डोला का कमरा, स्वच्छता की प्रणालियों और दिनचर्या इस तरीके से होती थी फ्रेंड्स। इस तरीके से टॉयलेट यूज किया जाता था उस टाइम, और ये देख सकते हैं गर्म पानी, इस तरीके से कोयले से आग जला करके इसमें औषधियाँ बनाई जाती थी फ्रेंड्स। देख सकते हैं कोयला भी जल रहा है उस समय से। तो फ्रेंड्स नए जगह पर आ गए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे पोशाक रखे जाते थे, इस तरीके से कपड़े यहाँ पे रखे जाते थे फ्रेंड्स। और बहुत ही उम्दा तरीके से इसको रखा गया है पेटियों के द्वारा, माइंड ब्लोइंग फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी जगह है। कपड़े की और ही वस्त्र भंडार है यहाँ पे, राजा महाराजा की रानियों के कपड़े इधर ही रखे जाते थे। फ्रेंड्स ये ले आते हैं आपको जिस तरीके से रानियों तैयार होती थी, इस तरीके से देख सकते हैं रानियों को तैयार किया जाता था। बहुत ही अद्भुत चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको, और कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको उदयपुर आना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए। और रानियाँ किस प्रकार से तैयार होती हैं वो देख सकते हैं मैं क्या नहीं। तो फिर एक से नए जगह पे आ गए हैं फ्रेंड्स, ये चौपड़ी है। इस तरीके से खेल हुआ करता था उस टाइम चौपड़ी, देख सकते हैं जिसमें दो से चार खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी खेल है उस टाइम फ्रेंड्स। गंजिका है, कम से कम इसमें तीन खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, और 10 तक बनी आकृति की संख्या दर्शाई जाती है। फिर से है गंजिका, गंजीफा। और आगे प्रवेश करते हैं फ्रेंड्स से नए चीज़ पे, और देख सकते हैं उस टाइम किस प्रकार से हथियार यूज होता था। ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये बंदूक है, और ये बहुत ही धारदार तलवार है फ्रेंड्स, और ये ढाल है उसका, ये उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जनाना कवच है फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो महिलाएं जो योद्धा होती थी वो इस तरीके से पहनती थी। तो फ्रेंड्स एक अलग ही जगह पे आ गए हैं हम लोग, और इस तरीके से मंदिर निवाड़ के जो मंदिर हैं उसके कुछ अभी भी अवशेष है, देख सकते हैं। ये यहाँ पे गणेश जी है, ये कुछ और भी मूर्तियों के टुकड़े हैं, तो देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत फ्रेंड्स। इस तरीके से मॉडल टू मेवाड़ मुगल अर्ली फेस
17 सेंचुरी में था। तो इस तरीके से सकरा रास्ता है फ्रेंड्स, बहुत ही खुफिया रास्ता है समझ लीजिए। इस तरीके से बर्तन में खाना पकाए जाते थे, देख सकते हैं। और ये आ गए हैं फाइनली फ्रेंड्स, पारंपरिक भारतीय चूल्हा जिसमें ईंधन क्योंकि लकड़ी जलाई जाती थी। ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी जला करके खाना बनाया जाता था। और भी बर्तन है जिस प्रकार से चम्मच इस तरीके से यूज किया जाता था उस टाइम भी ये सब यूज किया जाता था, देख सकते हैं। सभी बर्तन यूज किए जाते थे। ये पूरा बर्तन है फ्रेंड्स, और ये पूरा बर्तन उसी में पूरा खाना वगैरह बनता था। वो आटा चक्की समझ लीजिए, पराठा है। ये पूरा बर्तन यूज होता था फ्रेंड, देख सकते हैं। उस समय में पीतल के कांसा के बर्तन यूज होते थे, कड़ाही है। और ये राजा महाराजा का खाना इसी से बनता था, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये वो सूपा देख सकते हैं पीछे रखा हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। और फाइनली फ्रेंड्स हम ऐसे जगह पे आ गए हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा पानी पीने के लिए घड़ा है समझ लीजिए, घड़ा या ताम, ये मुझे लगता है ये तांबा का है और बहुत बड़ा आकार में बना हुआ है। ये फ्रेंड देख सकते हैं बिस्तर, इस तरीके से राजा महाराजा का बिस्तर इसी तरीके से हुआ करता था फ्रेंड्स। और मैं दिखाना चाहूँगा और इस तरीके से कमरे मिल जाए तो भैया अपन राजा बन जाएंगे। तो ये देख सकते फ्रेंड्स, ये पंखे भी लगे होते थे राजा के रूम में, तो उनके बिस्तर हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रूम है फ्रेंड्स राजा का। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स पंखा है, और वहाँ देख सकते हैं किस तरीके से बैठने का जगह है। पूरा राजा महाराजा लोग पूरा आलीशान बंगला है उनका, और इस तरीके से बैठते थे पंखा के साथ में। बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स माणक महल आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब बेहतरीन क्या कारीगरी है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स दीवाने खास आप देख सकते हैं, ये दीवाने खास जो है मेहमानों के लिए बनाया जाता था। जो भी बाहर से राजा महाराजा आते थे वो यहीं स्टे करते थे फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये है वो तराजू जिसमें महाराणा भूपाल सिंह जी का वजन करने का कांटा है, देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे तौला जाता था इधर उधर पहुँचे। ये है देख सकते हैं सूर्य मुखौटा, ये है तांबे से ढलाई कर सोने का गुल्लुमा चढ़ा हुआ सूर्य महाराणा श्री भोपाल सिंह जी का द्वारा बनाया गया, ये देख सकते हैं।
पानी भरा है इसमें? पानी भरा है नहीं, पानी नहीं है। तो ये क्या कारीगरी है दोस्तों, देख सकते हैं बेहतरीन नज़ारा। आज मैं नाम दिया गया था तो फ्रेंड्स ये है सिटी पैलेस और देख सकते हैं कितना बड़ा है और बहुत बड़ा इतिहास है इस सिटी पैलेस का और पूरे राजा महाराजा जो उदयपुर में जो शासन करते थे उनका पूरा इतिहास अंदर में संजोया गया है और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। देख सकते हैं बारिश हो रही हल्की हल्की और ये गार्डन बना रखे हैं, पीछे खाने पीने का पूरा व्यवस्था है फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर किए हैं और बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत जगह है, ऊपर से पूरा उदयपुर नज़र आता है फ्रेंड्स और बहुत ही खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स हमने सिटी पैलेस विजिट कर ली है और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को और अभी शाम हो गई है, अब हम जा रहे हैं रूम की ओर और हम बताते हैं वीडियो में आप देखे ही होंगे किस तरीके से आप अंदर विजिट किए हैं, म्यूजियम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।